हेलो एंड वेलकम दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के यहाँ पे दो अकाउंट है। मैं यहाँ पे पहले अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ से मेरा दूसरा अकाउंट चूज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सभी एक मैसेज सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे दूसरा अकाउंट में जाके वो देखता हूँ। तो अभी जाने के बाद ये फिर से मैं पहले अकाउंट में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक रेड रिसीप मिलती है जिसमें मैंने कब मैसेज सेंड किया वो दिखता है। अभी मैं क्या करूँगा, दूसरे अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ से रीड रिसीव ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेटिंग में जाकर प्राइवेसी में जाकर यहाँ से रीड रिसीव ऑफ कर दिए। अभी अगर मान लो मैं अभी पहले अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक मैसेज कर देता हूँ, तो आप यहाँ से अभी मैं अगर दूसरे अकाउंट में जाकर चेक कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे रीड रिसीव नहीं मिलती। देखो यहाँ पे कोई भी ब्लू टिक नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है जहाँ से आपको पता चल जाए कि मैसेज सीन हो चुका है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, कोई सा मैसेज आप सेंड करो, उसके बाद एक वो रिकॉर्डिंग का बटन आएगा, तो रिकॉर्डिंग के कौन सा भी एक सेकंड की आपको रिकॉर्डिंग करने के और वो सेंड करने के। अगर आप यहाँ पर मान लो मैं सेकंड अकाउंट में गया और वो देख लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से देख लिया और मैं फिर से वो चेक करने लूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो ब्लू टिक आ चुकी है दोस्तों। और यहाँ से आपको टाइम भी मिल जाएगा कब कब आपने सीन किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी रिसीव भी ऑफ ही है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।